तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी चाह, तुझसे ही तो जुड़ी तेरी यारे कुछ अधूरी सांसें। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सुंदर एक मेकअप लुक, जो कि आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। और ये जो मेकअप लुक है ये हर किसी पर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है, और आप मेरी इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालती रहती हूँ। ये वाला लुक अगर आप लोग क्रिएट करते हो, मुझे इंस्टा पर टैग करना बिल्कुल ना भूले। तो अभी चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले फेस को हम कर लेंगे क्लीन। उसके लिए मैंने यूज़ किया है ज़ूडियो का ये वेट वाइप्स, और ज़ूडियो का हॉल मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जाओ और देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मैंने दिखाया है, स्टार्टिंग प्राइस है 29 रुपीज़। तो जल्दी जाओ और देखो, मतलब इस वीडियो के बाद देखना। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट क्रीम। अच्छे से फेस पर अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ अच्छे से मसाज कर लेंगे। उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करूँगी, क्योंकि आई मेकअप थोड़ा सा हैवी होने वाला है, थोड़ा सा शिमर वगैरह लगने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले आई मेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले आप फेस मेकअप कर लेते हो उसके बाद आई मेकअप करते हो ना, तो थोड़ा सा फॉल आउट होता है, तो वो क्लीन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे तो पहले आई मेकअप करना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैंने फेसेस का कॉम्पैक्ट से मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है मार्स का ये आई शेडो पैलेट, उसमें से ये ब्लू शेड को मैंने लिया है। पूरे आईलिड पर कलर को प्लेस कर लेंगे, उसके बाद ब्लेंड करेंगे ये डार्क ग्रीन शेड को ब्लू के साथ मिक्स करके। मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी एजेस ना रह जाए। उसके बाद ब्लू शेड के ऊपर मैंने दोबारा ये ब्लू शेड को अप्लाई किया है, क्योंकि कलर फेड हो जाता है। उसके बाद ये लाइट ग्रीन शेड को लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, थोड़ा सा टाइम लेके बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है, ताकि जो आई मेकअप है वो बहुत खिल के आए, बहुत फ्लॉलेस लगे। सेम पैलेट से ये ब्लू मेटालिक शेड हम लेंगे, ये बहुत सुंदर शेड है। इसे मैं अपनी पूरे लिट पर अप्लाई करूँगी, आप लोग देख सकते हो बहुत प्रिटी शेड है ये। एंड थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है, बाद में हम क्लीन कर लेंगे। अभी एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा भी एडजस्ट ना रह जाए। उसके बाद फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लेंगे। अभी हम करेंगे फेस मेकअप। तो सबसे पहले प्राइमर यूज़ करेंगे, ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी आज फॉरएवर 52 का ये फाउंडेशन। मेरा जो शेड है वो है हनी। 2 पंप लेंगे, उसके बाद एक ब्रश की मदद से थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। एंड सेम ब्रश की मदद से मैं अपनी फुल फेस पर अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन को, फेस और साथ साथ नेक पर भी। ब्यूटी ब्लेंडर पर थोड़ा सा मेकअप फिक्सर अप्लाई करके मैं फुल फेस को सेट कर लूँगी। जितने भी फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, आप इसे बिल्ड कर सकते हो, मीडियम टू हाई कवरेज देता है। मैंने सिर्फ 2 पंप ही लिया है फेस और नेक पर, तो आप चाहो तो आप थोड़ा और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैं अपनी अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज़, माउथ के पास थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा फॉरहेड पर। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। गाइस एक बात बता दूँ, अगर आप लोग इस कंसीलर को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मस्ट एक बार ट्राई करो, बहुत ब्यूटीफुल कंसीलर है ये। उसके बाद सेम कॉम्पैक्ट से फेसेस का जो कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया था पहले, सेम कॉम्पैक्ट से मैं अपनी फुल फेस को सेट कर लूँगी, ताकि जितनी भी मैंने कंसीलर फाउंडेशन यूज़ किया है वो सेट हो जाए। स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट से दोनों शेड को मिक्स करके मैं अपनी फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर कर लूँगी। फेस पर कॉन्टोर करने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा नोज़ को भी कॉन्टोर कर लिया है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। उसके लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट लिया है, इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिलेंगे। तो मैंने एक पीच पिंक शेड को लेके मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है फेस पर। उसके बाद ब्राउज़ को फिल कर लेंगे, मैंने एक डार्क ब्राउन शेड को लिया है।
उसके मदद से मैं ब्राउज को फिल कर लूँगी। आपके पैलेट में कोई भी डार्क ब्राउन शेड अगर रहे तो आप उससे भी आप आईब्रोज को फिल कर सकते हो। उसके बाद मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लेंगे फेसेस का, थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि थोड़ा सा भी जितना भी पाउडर बचा है वो सेट हो जाए। अभी वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल एक हाइलाइटर है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर एक हाइलाइटर है। उसके बाद लोअर लैशेस पर, मतलब लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा ये ब्लू और ग्रीन शेड को मिक्स करके मैं थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ। अभी मैं लिपस्टिक के लिए पर्पल का ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये शेड मुझे नहीं पता, एक्चुअली भूल गई हूँ, बहुत सुंदर एक न्यूड शेड है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिंक आई शेडो को लेके मैंने थोड़ा सा टैप किया है ताकि थोड़ा सा पिंक पिंक लगे। आई शेडो की मदद से आप बहुत अच्छे से लिप्स को सेट कर सकते हो। सो, ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक, मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक। होप आप लोगों को मेरा आज का ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा ये भी बता सकते हो, एंड कौन सा चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना सा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। सो बाय, लव यू ऑल।